कटनी जिले में लोकायुक्त की टीम ने रिश्वतखोर डॉक्टर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त की टीम ने जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर पीडी सोनी को 15,000 रुपये के रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। जानकारी के अनुसार विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर 40,000 रुपये के रिश्वत की मांग की गई थी, जिसमें पहली पेशगी देते हुए लोकायुक्त की टीम ने बस्ती डॉक्टर पीडी सोनी को निजी क्लिनिक में धर दबोचा है और मामला दर्ज कर लिया है। यदि शंकरलाल कुशवाहा, ये अमगावा तहसील बेटी जिला कटनी के निवासी है। इनको इनकी विकलांगता है, इनकी विकलांगता के लिए प्रमाण पत्र बनना था। प्रमाण पत्र बनाने के लिए जिला चिकित्सालय में पदस्थ श्री पीडी सोनी हड्डी रोग विशेषज्ञ, उनसे मुलाकात की तो 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र बनाने के लिए इन्होंने 40,000 रुपये की मांग की थी। आज हमने इन्हें 15,000 रुपये लेते हुए पकड़ा है, कार्रवाई चल रही है। मैंने शिकायत ये की थी, पहले आया था विकलांग सर्टिफिकेट बनवाना था, तो दो बार आया हूँ, बहुत भीड़ थी सरकारी हॉस्पिटल में, नहीं मिल पाई। तीसरी बार मैं डॉक्टर साहब के घर गया और मेरा मित्र था, उनने 40,000 की मांग की थी 40% के। दो बार और आया मैं, तुमने कहा था कि 40,000 हो तो आना, अन्यथा नहीं आना। मैंने लोग शिकायत कर दी।